सो हेलो गाइस, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड के बारे में। इसमें बहुत ही ज़बरदस्त वैकेंसी निकली है, यहाँ पे करीब 150 वैकेंसी है। तो यहाँ पे सबसे अच्छी बात करें तो यहाँ पे काफ़ी दिनों से लोग परेशान थे, वेट कर रहे थे कि मैकेनिकल में वैकेंसी नहीं आ रही, मैकेनिकल वैकेंसी नहीं आ रही। सबसे ज़्यादा इसमें यूज वैकेंसी जो है मैकेनिकल के लिए है। और यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो आपकी है वो है डिप्लोमा और बीटेक, यानी कि दोनों में से अगर आपने जो भी किया है, चाहे डिप्लोमा किया चाहे बीटेक किया, तो भी यहाँ पे एलिजिबल हैं आप, ठीक है। और लेकिन डिप्लोमा 3 साल का होना चाहिए, बीटेक 4 साल, ठीक है। यहाँ पे किस किस के लिए असिस्टेंट फोरमैन की पोस्ट है, ठीक है। ग्रेड सी के लिए काफ़ी अच्छी वैकेंसी, बहुत ही ज़बरदस्त है, ठीक है। तो यहाँ पे सब कुछ दे दिया है, तो जैसे कि असिस्टेंट फोरमैन ENT, इलेक्ट्रिकल के लिए है, मैकेनिकल और ठीक है एक इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए, 3 ब्रांच के लिए यहाँ पे एलिजिबल है। तो यहाँ पे सब कुछ दे दिया है। और अगर आपने हायर डिग्री किया इलेक्ट्रिकल से इलेक्ट्रॉनिक्स से, ठीक है, लेकिन साथ में अगर इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन से या इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल से किसी भी अलग इससे किया तो नहीं आपके लिए एलिजिबल होंगे। जैसे मैकेनिकल से आपने किया लेकिन मैकेनिकल से आपने डिप्लोमा किया या बीटेक किया तो ठीक है, लेकिन अगर आपने इससे हायर डिग्री में किया हुआ जैसे कि मैकेनिकल प्रोडक्शन से आपने किया है, मैकेनिकल ऑटोमेशन से, थर्मल से, तो नहीं एलिजिबल है। जैसे कि हायर डिग्री की बात कर रहे हैं, डिप्लोमा मैकेनिकल से किया तो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन किसी भी ब्रांच से किया हो, और इसी तरह बीटेक लेकिन आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग से किया हो तो ये एलिजिबल है। अब मैकेनिकल प्रोडक्शन या मैकेनिकल इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन किसी से भी किया हो तो नहीं एलिजिबल है। और सैलरी की बात करें, बहुत दमदार सैलरी है, ठीक है, बहुत दमदार सैलरी इसमें है। उसकी फ़ीस की बात करें तो 1000 रुपये फीस है OBC और UR के लिए, SC ST EWS के लिए, PWD डिपार्टमेंट के लिए, ESM और PWD की डिपार्टमेंट के लिए फ्री है, ठीक है। और पेपर की बात करें किस तरह का आएगा, तो आपका ट्रिप टेक्निकल आएगा, टेस्ट के लिए सिटी दी है, कौन कौन से दिया हुआ है, एंड आफ्टर द रिजर्वेशन ऑफ द सिटी 50 मार्क्स आपके लिए मिनिमम कट ऑफ रिक्वायर, ऑटो सिलेक्शन आउट ऑफ मार्क्स 50 क्वेश्चन, आपका 50 मार्क्स ये UR और EWS के लिए, OBC के लिए 40 मार्क्स। यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है पूरा। इसका एप्लीकेशन आप लोग कब से कर सकते हैं अवेलेबल, तो 15 तारीख से आप लोग रजिस्ट्रेशन होने लगेगा, और 5 तारीख को जो है अगर इसका फाइनल हो रहा तो वो भर सकता है, ठीक है। यहाँ पर सब कुछ दे दिया है, जैसे कि दिया हुआ है यहाँ पर सिलेक्शन, 170 क्वेश्चन आएंगे MCQ 1 नंबर के, यहाँ पर सब कुछ दे दिया है। ये सिलेबस है आपका इलेक्ट्रिकल का है, ये मैकेनिकल का है, ठीक है, सब कुछ यहाँ पे कंप्लीट डिटेल में दे दिया है। और 30 सेक्शन के जो 30 नंबर जो है सेक्शन बी के, जैसे कि जनरल नॉलेज हो, जनरल अवेयरनेस हो गया, रीजनिंग हो गया, क्वांटिटी एप्टीट्यूड हो गया, ये जाएगी, तो आपको इसी तरीके से करना है। ठीक है।